Hi guys, welcome back to our channel Crazy Family BX. BX बोले तो billions of stars and welcome back to our new vlog. सबसे पहले छोटों को प्यार, बड़ों को आज की राम राम और बाकी सबका स्वागत है हमारे इस vlog में. आज पऊ सुबह जल्दी उठ गई है और सुबह से इसने जान खा रखी है स्कूल. और देखो इसका स्कूल बैग ऐसी कंडीशन में नीचे पड़ा हुआ है और इसे बस स्कूल जाना है. नहीं, आज तो स्कूल जाना ही जाना है इसे, जबकि स्कूल अभी इसके बंद है. तब इसकी ये हालात है और आज छुट्टी भी है. तो गाइस पहले सबसे पहले मिल लीजिए पऊ जी से, हाय कर दे जल्दी से सबको, फ्लाइंग किच्ची भी कर दे. बड़ी स्माइली, प्यारी प्यारी स्माइली के साथ करता है सब कुछ है. हाँ, मेरा टिंडू लाला है एकदम. चलिए गाइस आज मैं और खुशी से भी हेलो कर लीजिए जल्दी से. तो मैं और खुशी जा रहे हैं लाल द्वारे महाराज जी को मत्था टेकने के लिए. महाराज जी दिल्ली आए हुए हैं, हमने सोचा चलो हम दोनों चलते हैं. संजना नहीं जा रही है, संजना कह रही है वो थकी सी फील कर रही है और परू भी घर पे रुकेगी. तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं और खुशी जा रहे हैं स्कूटी से. तो आप लोगों से अब सीधा वहीं मिलेंगे क्योंकि मैं बस दुकान खुलवा करके सीधा पहुँच जाऊँगा, मतलब इसको लेने आ जाऊँगा घर. तो लेकिन मिलेंगे आप लोगों से अब सीधा लाल द्वारे में. चलो तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं लाल द्वारे और महाराज जी का मत्था टेकने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं. अभी आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं. आगे जाके ठीक चांदी आ गया तो चांदी बोला डेट आऊंगी क्योंकि फिर रस बड़ा होता है. चलिए गाइस मत्था टेक लिया, अब चलते हैं यहाँ से भाई सीधा दुकान पे चलेंगे. और पता है परू को हमने इतना मिस किया ना आज कुछ ज़्यादा ही मिस किया हमने, है ना खुशी? मैंने तो बहुत किया. तो गाइस आज टाइगांडो से लेके आने के लिए मेरे साथ देखो पऊ भी आई है. पऊ हेलो कर ले. और गाइस हम लोग जो है स्कूटी से हैं और खुशी कह रही है कुछ खाने को खिला दो. तो ये कुछ क्या ऑर्डर कर रही है भाई? मंचूरियन ऑर्डर कर रही है. चलो इनको दिलाता हूँ फटाफट से. तो गाइस अभी मैं टाइगांडो से आ गई हूँ और मैं पापा के साथ परू भी आ जाई थी मुझे लेने. और अभी मैं और परू और पापा जो है लेकर आए मंचूरियन. परू ओ गुस्सा हो गुच्छा गुच्छा है इनको, ये गंदा बच्चा है, गुच्छा हो गया. नांजी नांजी हंस रहा है कोई तो ओ ओ ओ छड़ गया गाइस. जब इसकी पिटाई हुई है कैमरे पे जो पेंसिल चला रही थी इसलिए. तो गाइस यहाँ पर परू और मैं बनाएंगे
जो कैंडी है इसके बबल्स हमने देखे थे, और वो जो मतलब वो ना जॉली वेंचर वाली वो जो कैंडी होती है उससे बना जो है हम इससे बनाएंगे। यहाँ पर कैमरा को देते हैं ताकि अच्छे से देखे। थ्री कैंडी ना, अरे यार छे वो लोग बीच में से यार ये बनो था भी। ये देखो गाइज मैं बना रही हूँ आज मैंगो शेक, काफ़ी टाइम बाद मैंगो शेक बना रहे हैं। सो गाइज देखिएगा मैं मैंगो शेक कैसे बनाती हूँ। तो गाइज अब मैं घर पहुँचा हूँ और घर आता हूँ तो परू मुझे याद दिलाती है आपने प्रॉमिस किया था मेरे को। क्या प्रॉमिस किया था पापा ने? इधर देखो परू अभी सैंडल पहनने में भी। आई सी। क्या प्रॉमिस किया था पापा ने? अभी बिजी है बेचारी सैंडल पहनने में। तो मैं बता दूं इसको आइसक्रीम दिलाने जाना था आज मुझे, इसको लेकर चलता हूँ आइसक्रीम दिला के लाता हूँ इसको बेचारी को, आज बहुत दिनों बाद ये मांग रही है। तो गाइस परू के लिए ये लिए चॉकलेट वाली और खुशी ने अपने लिए लिए बटर स्कॉच। तो गाइस संजना हो रही थी अभी गुस्सा, कहने लगी कि तुम चॉकलेट इनको आइसक्रीम दिलाने जा रहे हो और इधर मैंने मैंगो शेक बना रखा है। तो मैंने कहा यार बच्चों की उम्र है, चल बच्चे जिद कर रहे हैं आज आइसक्रीम के लिए तो आज दिला देते हैं इन्हें। कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं? वापस जा रहे ऊपर, हमने आइसक्रीम ले लिया और अभी ऊपर जाके पहले मम्मी ने मैंगो शेक भी बनाया, खाना खा के भी मैंगो शेक भी पीऊँगा फिर आइसक्रीम भी खाएंगे। तो गाइज ये अभी मूवी देख रहा था मैं फराज। तो गाइज बहुत देर हो गई मूवी देखते देखते और पाऊ यहीं मेरे साथ बैठी हुई है और ये मेरे को ना तो मूवी देखने दे रही थी और ना ये मेरे को कुछ काम करने दे रही है। तो मैंने सोचा मैं सो ही जाता हूँ। क्यों भाई पाऊ सोए ना आप? कह रही है नहीं। चलिए गाइज आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। आज के लिए गुड नाइट।